जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। सो आज ऑल इंडिया लेवल का सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, तो उसकी इंग्लिश की आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जल्दी से एक बार हमारे साथ आप जुड़ जाइए और अपनी अपनी एग्ज़ाम को आप चेक ज़रूर कीजिए कि कितने इंग्लिश के क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं। ऑलरेडी मैथ एंड रीजनिंग का सेक्शन जो है वो अपलोड करवा दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था इंग्लिश के सेक्शन का, आपको करेक्ट स्पेलिंग जो थी वो चूज करनी थी, तो सेंसेशन का ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना था वर्ड का फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का जो अपोजिट मीनिंग आएगा वो आएगा आपका रिवेंज। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, तो सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th आपके पास था, आपको ब्लैंक को फिल करना था, द क्वालिटी, क्वालिटी तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऑफ दिस प्रोडक्ट इज गुड, प्रोडक्ट इज आएगा, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आर नेक्स्ट लगाया गया है लेकिन प्रोडक्ट्स का मतलब आर नहीं आएगा, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स आर नहीं आएगा। ये एक प्रोडक्ट्स जो है वो मल्टीपल चीजों के लिए ही हम यूज करते हैं, यहाँ पे इज जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको एक पैसेज दिया गया था, उससे जो है वो आपको यहाँ पे आंसर जो है वो चूज करने थे, काफी इजी पैसेज था। यहाँ पे आपको बताया गया था कि कितने स्वेटर्स की जो थी वो बात की गई थी, तो देखिए इस पैराग्राफ में डायरेक्ट लिखा गया था फर्स्ट लाइन में ही 6 स्वेटर, तो 6 स्वेटर जो कि ऑप्शन नंबर आपके सेकंड में था ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताया गया था करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी थी क्वेश्चन नंबर 7th की, तो ऑप्शन नंबर 1 द गोट शेडेड सम फॉर देयर हेयर फॉर इन समर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, कितने आर्स की बात की गई थी, तो देखिए ये डायरेक्ट लिखा गया है 250 आर्स, तो 250 आर्स ऑप्शन नंबर 4th इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, तो आपको बताना था कि ये जो हेयर इस लाइन में एक शब्द जो है वो बताया गया है वो क्या है, तो हेयर जो है वो एक नाउन है, तो क्वेश्चन नंबर 9th का जो है वो राइट आंसर सेकेंड रहेगा, नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, आपको बताना था चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ थिक, थिक यानी कि, और थिक का अपोजिट क्या होगा, थिन होगा, थिक यानी कि मोटा और थिन का मतलब होता है पतला, तो इसका थिन राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको बताना था एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो है किसी चीज की विशेषता को बताते, तो हाई, हाई जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th आपको दिया गया था, यहाँ पे आई हैव मोर मनी, मच मनी, मोस्ट मनी, मैनी मनी, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करेगा ऑफिशियल आंसर की के ऊपर, इसको एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा क्या इसका राइट आंसर रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना था अपोजिट ऑफ रियल, रियल यानी कि वास्तविक में कोई चीज़ है और उसका अपोजिट होगा इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रिसीव की स्पेलिंग जो थी वो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही थी, R E C E I U V E, ऑप्शन नंबर 1, 14, 14, 14 नहीं, एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बताया गया था देयर, देयर के लिए जो यहाँ पे वर्ड आप लगाएंगे तो टी एच ई आई आर जो है वो यहाँ पे लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, तो यहाँ पे आएगा हैड लेफ्ट, 13 का थर्ड ऑप्शन जो है, 16 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना था, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4th नीड आई जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में आपको बताया गया था द ट्रेन डैश सुडनली, तो ट्रेन जो है वो क्या होती है, स्टॉप्ड हो जाती है, रुक जाती है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको
चूज द सेंटेंस हैविंग इन ट्रांसिटिव वर्ब आपको बतानी थी, तो 19 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आई डू नॉट नो डैश ही हैज गोन और नॉट, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 वेदर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको इसको पूरा करना था, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट हु वी, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज द स्टूडेंट ए और द, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आपको फिल इन द ब्लैंक को पूरा करना था, द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट, द स्पीकर इज गोइंग गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, इसका ऑफ जो है वो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का, हाँ सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीट द एयर, बीट द एयर टू मेक अनलेस एफर्ट्स, ज़्यादा एफर्ट के लिए बात की गई है यहाँ पे, करेक्ट मीनिंग आपको जो था बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थ्रीट, थ्रीट का जो है वो अपोजिट मीनिंग जो है वो क्या रहेगा, सेफ्टी रहेगा, थ्रीट का अपोजिट मीनिंग जो है वो सेफ्टी रहेगा। तो कितने क्वेश्चन आपके इंग्लिश के सेक्शन के सही हुए, टोटल 25 क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको जो क्वेश्चन कराए गए उनके अकॉर्डिंग आपके भी आंसर जो है वो बिल्कुल सही जाएं। जल्दी ही मैं नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत।